हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस फिल्म एकेडमी, सक्सेस थिएटर ग्रुप एंड सक्सेस कास्टिंग एजेंसी। दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7219533205 और वेबसाइट www.successgate.in। जिया दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार। दोस्तों, टू द टॉपिक बात करूंगा। कई सारे ऐसे लड़कियां हैं दोस्तों, कई सारे ऐसे हमारी बहनें हैं जो ये वीडियो देखती हैं। जो भी लड़कियां, कोई बिहार से, कोई झारखंड से है, कोई राजस्थान से है, कोई बंगाल से है, राइट, कोई उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, जो भी लड़कियां ये समझती हैं कि उनको हीरोइन बनना है, दोस्तों उनके लिए स्पेशली ये वीडियो लेके आए हैं हम। हीरोइन और अभिनेत्री में अंतर समझें आप, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको ए लिस्टर्स या जो लीड एक्ट्रेस हैं उन्हीं का काम देखना चाहिए, उन्हीं जैसा बनना चाहिए। आप अभिनेत्री भी बन सकती हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करूंगा, हालांकि हीरोइन बोल लो, एक्ट्रेस बोल लो या अभिनेत्री बोल लो, सबका मीनिंग एक ही है। लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ पे परिभाषित करके मैं आप सबको बड़ी आम भाषा में बताना चाहता हूँ। हीरोइन का मतलब ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं, जो स्पेशली जो गाँव में हैं, जो मुझे देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, वे लोग क्या समझते हैं कि हीरोइन का मतलब होता है कटरीना कैफ, राइट, करीना कपूर, इस तरह के जो रोल्स होते हैं इनको हीरोइन का रोल कहते हैं, राइट। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जो अभिनेत्री हैं, यानी कि जो अभिनय करते हैं, जो इंसान अभिनय करता है, जो महिला अभिनय करती है, उसको अभिनेत्री कहा जाता है। सो आप अभिनेत्री जैसे स्वरा भास्कर हैं, आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, या कई सारे ऐसी लड़कियाँ हैं जो टीवी सीरियल में या सिनेमा के अंदर, राइट, चलचित्र सिनेमा के अंदर या टेलीविज़न के अंदर कई सारे ऐसे सपोर्टिंग रोल, यानी कि जो किरदार करते हैं, जो सहायक कलाकार के तौर पे जो किरदार करते हैं, उससे भी लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं दोस्तों। यानी कि आप कैरेक्टर रोल भी कर सकते हो, सहायक रोल भी कर सकते हो, जैसे दोस्त का रोल हुआ, भाभी का रोल हो गया, बहन का रोल हो गया, राइट, किसी विलन का रोल हो गया। ईशा गुप्ता का आपने नाम सुना होगा दोस्तों, जो भी लड़कियां मुझे सुन पा रही है, ऐशा गुप्ता, कई सारे ऐसे सिनेमा के अंदर, कई सारे ऐसे मूवीज के अंदर उन्होंने सपोर्टिंग रोल किया है। तो आप सब अपने मन से ये वहम निकाल दें कि अगर आप खूबसूरत नहीं हैं, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो आपको काम नहीं मिलेगा। सबके लिए समान अवसर है बॉलीवुड के अंदर, सबके लिए समान किरदार है बॉलीवुड के अंदर, सबके लिए एक जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन 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 यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, क्या आपके अंदर हुनर है, क्या आपके अंदर टैलेंट है? हुनर और टैलेंट कैसे आता है? आपको सालों साल एक्टिंग सीखना पड़ता है, सालों साल थिएटर वर्कशॉप करना पड़ता है, थिएटर ग्रुप में मंचन करना पड़ता है, प्ले करना पड़ता है। दोस्तों, आपने कंगना रनौत का नाम सुना होगा, वे घर से आने के बाद दिल्ली के अंदर कई साल तक उन्होंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, वहाँ पर थिएटर प्ले किए, अपने आप को निखारा, अपने बोलने का तरीका, अपने परफॉर्मेंस का तरीका। सो आप सबको आंसर मिल चुका होगा कि हीरोइन बनना है या अभिनेत्री बनना है, दोनों का मतलब एक ही है। आई रिपीट वन सेकेंड, अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब अभिनेत्री है, जो अभिनय करता है। लेकिन ए लिस्टर्स यानी कि लीड एक्ट्रेस, अभिनेत्री के अलावा भी कई सारे ऐसे रोल हैं बॉलीवुड के अंदर जो आप जैसे लड़कियाँ कर सकती हैं, बॉलीवुड में अपना नाम कमा सकती हैं, शोहरत हासिल कर सकती हैं, करोड़ों रुपए कमा सकती हैं, सहायक रोल करने के बावजूद भी। सो देर किस बात की, आज इसी वक्त हमें डायल करें, हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है 7219533205, उस नंबर पे कॉल करें। चाहे तो आप ऑनलाइन एक्टिंग सीखें, चाहे तो आप मुंबई के अंदर आके, हमारे ऑफिस के अंदर आके ट्रेनिंग ले, जो सक्सेस गेट थिएटर ग्रुप है उससे जुड़ के आप लाइव थिएटर प्ले कर सकते हैं। मुंबई में रहने के भी जो गर्ल्स हॉस्टल है वो आसानी से मिल जाता है, हम लोग खुद आपको गाइड करेंगे, बहुत ही मिनिमम बजट के अंदर आप मुंबई में रह सकती हैं और सीख सकती हैं। सो आशा करता हूँ आप सब बॉलीवुड से जुड़ेंगे, नाम दौलत शोहरत कमाएंगे और बॉलीवुड में आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।